नवरात्रि के समाप्ति होते के साथ ही अब भोपाल के कालीबाड़ी में सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है। भोपाल में बंगाल की झलक देखने को मिल रही है। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। टीटी नगर कालीबाड़ी में खेला जा रहा है सिंदूर खेला। तो देखिए नवरात्रि का जैसे ही समाप्त हुई ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है भोपाल के कालीबाड़ी मंदिर से, जहां पर सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती नजर आ रही हैं और बंगाल की झलक देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। देखिए बंगाल में सिंदूर खेला का विशेष महत्व माना जाता है। नवरात्रि के समापन के साथ ही सिंदूर खेला किया जाता है बंगाल में और इसका खास महत्व है। और अब कालीबाड़ी मंदिर में, यहाँ पर भोपाल के कालीबाड़ी मंदिर में भी बंगाल की झलक देखने को मिली है, जहां पर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और सिंदूर खेला किया। टीटी नगर में जो कालीबाड़ी मंदिर है वहां पर सिंदूर खेला का आयोजन किया जा रहा है और वहां पर बंगाली समाज की महिलाएं पहुंची हुई हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाती नजर आ रही है। देखिए सबसे पहले माता रानी को सिंदूर लगाया जाता है, उनके चरणों में सिंदूर चढ़ाई जाती है और उसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। तो देखिए कालीबाड़ी मंदिर है ये, जहां पर बंगाली समाज की महिलाएं पहुंची हुई हैं और बंगाली परंपरा के साथ यहाँ पर माता रानी का पूजन अर्चन किया गया। पूरे 9 दिन लगातार माता रानी का पूजन किया गया और अब आज सिंदूर खेला का आयोजन किया गया है। बंगाल की झलक देखने को मिल रही है। बंगाली समाज में सिंदूर खेला का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी के चरणों में पड़े सिंदूर को लगाने से उनका जो सुहाग है वो और ज्यादा बढ़ता है और इसीलिए सिंदूर खेला का महत्व जो है वो काफी ज्यादा बंगाली समाज के लोगों में है। और बंगाली समाज के लोग लगातार जो है हर बार नवरात्रि के मौके पर सिंदूर खेला का आयोजन करते हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी ये तस्वीर आ रही है। देखिए हमारी सहयोगी ऋतु सिंह यहीं पर मौजूद है कालीबाड़ी मंदिर में। अब सीधा उनका रुख करते हैं और उनको बोलते हैं कि वो तस्वीरें दिखाएं। ऋतु, वहां पर बंगाली समाज की महिलाएं पहुंची हुई है, सिंदूर खेला का आयोजन हो रहा है, क्या कुछ माहौल है वहां पर, क्या कुछ तस्वीरें? बिल्कुल बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए विदाई की बेला है और सिंदूर खेला है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, माँ दुर्गा के स्वरूप को आज देखिए, आज विदाई माँ दुर्गा को दी जाएगी और बंगाली समुदाय का ये विशेष आयोजन होता है सिंदूर खेला, जहाँ माँ को सभी महिलाएं पहुंचकर, देखिए आप तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि पहले पान से माँ के मुँह को पोंछा जाता है, उसके बाद माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ा रही है महिलाएं और उसके बाद आपस में सुहाग की लंबी उम्र की कामना को करते हुए एक दूसरे को महिलाएं सिंदूर लगाती हैं और अपने अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन उत्साह इस पर्व का आप देखिए कि दुर्गा माँ को जब विदाई दी जाती है तो खुशी खुशी विदाई दी जाती है। सिंदूर खेला इस प्रोग्राम को इसलिए कहा जाता है, इस कार्यक्रम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। आप देख पा रही होंगी इन तस्वीरों में कि महिलाओं की एक लंबी कतार लगी हुई है जो लगभग एक ही रंग की साड़ियों में सज धज कर आज पहुंची है और सिंदूर खेला को मना रही है। दूसरी तरफ आप ये दूसरी खूबसूरत तस्वीर देखिए प्रतिज्ञा, इन तस्वीरों में आप देख पा रही होंगी कि सभी महिलाएं एकजुट होकर आज सिंदूर खेला तो खेल रही है लेकिन इसके साथ साथ डांस में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप कुछ महिलाओं से बात करें और उनसे जाने कि क्या महत्व है आज के दिन का और सिंदूर खेला का क्या महत्व है। बहुत ज्यादा उत्साहित है और आप देखिए लगातार 6वें साल में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दुर्गा माँ 9 दिन तक बैठती है। दशमी के दिन यहाँ पर रिचुअल होता है, सिंदूर से महिलाएं खेलती है, पहले दुर्गा माँ के चरणों में और माथे पर अर्पित करती है, उसके बाद जितनी भी महिलाएं हैं सब सिंदूर से खेलती है। तो देखिए सभी महिलाएं सिंदूर से खेलती है और भी पहले उनसे बातचीत करेंगे, सिंदूर खेला को लेकर कितनी उत्साहित है, कैसा फील कर रही है? मैम बहुत अच्छा लगता है, पूरे साल भर ये पर्व एक ऐसी चीज है जो सनातन धर्म से हमें ये हमेशा से सिखाता आया है, जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। माँ भी अगर हमारे पास आती हैं 10 दिन रहती हैं और बेटी की तरह विदा होकर चली जाती हैं, इस जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो शाश्वत है। मानव आया है धरती पे, जाएगा, माँ भी आज विदा ले रही हैं। बिल्कुल, तो ये भी बताएगा कि सिंदूर लगाने की परंपरा क्यों है, सिंदूर क्यों लगाया जाता है? जिस तरीके से बेटी अपने घर आती है और ससुराल वापस जाती है तो उसकी नज़र उतारी जाती है, उसे मीठा खिलाया जाता है, उसे तरह तरह से श्रृंगार करा जाता है, ठीक उसी तरीके से हम माँ की विदाई कर रहे हैं और आखिरी वक्त जब ये होता है
तो हम उनके आंसू भी पोंछते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बेटी को विदा कर रहे हैं, हम आज माँ को विदा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से बेटी को विदा किया जाता है, उसी तरह से आज माँ की विदाई की जाती है। मैं दिखाऊंगी आपको ये तस्वीरें, दिखाइएगा, मेरे सहयोगी से कहूंगी ये तस्वीरें दिखाएं। महिलाओं की कतार देखिए, कुछ देर पहले यहाँ पर डांस भी चल रहा था, नृत्य भी कर रही थी महिलाएं, हालांकि अभी वो बंद हो चुका है, वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए वहां से लेकर माँ के मूर्ति तक लाइन लगी हुई है, और माँ की प्रतिमा तक पहुंचने के लिए सभी महिलाएं अपना इंतजार कर रही हैं। और भी महिलाओं से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये देखिए, यही खूबसूरती है कि एक ही रंग की साड़ियों में, एक ही रंग के वस्त्रों में, और एक साथ देखिए आप ये महिलाएं पहुंची पूरे उत्साह के साथ। कैसा महसूस कर रही है सिंदूर खेला को लेकर, और बताइएगा कि क्या महत्व है इस पर? हम लोग का ये स्पेशल त्यौहार है, और सुहागन लोग सिंदूर दान करते, यानी एक दूसरे को लगा के ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। माँ दुर्गा को यानी एक करते हैं ना, वैसे ही होते हैं पूरे। उससे आप लोगों ने सिंदूर नहीं लगाया, यानी कि पहले माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, फिर वही सिंदूर पूरा साल भर हम लोग लगाते आते हैं, पूरे साल भर। तो देखिए यही इस त्योहार की खूबसूरती है, प्रतिज्ञा की पहले माँ को सिंदूर चढ़ाया जाता है, और वही सिंदूर फिर महिलाएं साल भर लगाती हैं, और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और भी महिलाओं के पास हम चलेंगे, उनसे जानेंगे। बातचीत करते रहिएगा इन महिलाओं से, लेकिन बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें निकल कर सामने आई है। देखिए कि किस तरह यहाँ पर महिलाएं सिंदूर खेला कर रही है, और माता की विदाई वैसे ही कर रही है जैसे एक बेटी को विदा किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।